बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चुनाव समिति के सदस्य होंगे शामिल। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर होगा फैसला। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएमओ और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा, G20 सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए दी अफसरों और कर्मचारियों को बधाई। G20 सम्मेलन से जुड़े अनुभव के बारे में भी ली जानकारी। विपक्षी गठबंधन इंडिया की समन्वय समिति की पहली बैठक दिल्ली में। शरद पवार की आवाज पर होगी बैठक। सीट शेयरिंग और साझा कैंपेन पर होगी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति ने की पीएम मोदी की तारीफ। पुतिन ने पीएम की मेक इन इंडिया मुहिम को सराहा। पुतिन बोले, भारत अपने देश में बनी गाड़ियों के इस्तेमाल पर दे जोर। राष्ट्रपति आज लॉन्च करेंगी आयुष्मान भव कार्यक्रम। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा सेवा पखवाड़ा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय चलाएगा 15 दिनों तक आयुष्मान भव कार्यक्रम। राजस्थान के कोटा में कोचिंग की छात्रा ने की खुदकुशी। नीट की तैयारी कर रही थी झारखंड की रहने वाली छात्रा। इस साल अब तक 24 स्टूडेंट कर चुके हैं कोटा में खुदकुशी। एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत। भारतीय टीम ने कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए सुपर फोर मुकाबले में श्रीलंका को 41 रनों से हराया। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो, जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो, जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो, जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज का मुद्दा। अमेरिका ने भारत में हुई G20 की बैठक को पूरी तरह सफल बताया। अमेरिका ने सम्मेलन के भव्य आयोजन के लिए भारत की जमकर तारीफ की और शानदार मेजबानी के लिए भी अमेरिका ने भारत की प्रशंसा की। We absolutely believe it was a success. The G20 is a big organization. अमेरिका ने G20 में रूस और चीन के होने के बावजूद सभी मुद्दों पर एक सुर में सहमति बनने को ऐतिहासिक कदम बताया और इसके लिए भी भारत का आभार जताया। G20 बैठक के सफल आयोजन से लंदन में बैठे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ झुंझला उठे। उन्होंने दावा किया कि अगर 2017 में उन्हें सत्ता से बेदखल न किया गया होता तो पाकिस्तान भी G20 का सदस्य देश बन जाता।